यह फिल्म उन नौजवानों को प्रेरित करने के लिए है जो जरा सी विषम परिस्थितियों से विचलित होकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति निराश हो जाते हैं। यह फिल्म गुरु कृपा करियर इंस्टीट्यूट का एक छोटा सा प्रयास है उन नौजवानों को प्रोत्साहित करने का, जिस प्रकार श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को निराश होने पर कर्म करते रहने की महिमा बताकर अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरित किया। ये कोरोना वायरस तो धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। हाँ, न्यूज में देख ही रहे हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो पूरे देश की इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। सोचे लाइफ में क्या सोचे आगे? अरे, इसने अपनी प्लानिंग पहले से करके रखी है। तुम्हें पता है ये डॉक्टर ही बनना चाहता है। हाँ, एक बार इंस्टीट्यूट फाइनल हो जाए उसके बाद इसी मन से बैच ज्वाइन कर लूंगा। बिल्कुल बेटा। लो, गटागट जल्दी से। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा। इसने सोचा था कि ऐसे भी दिन देखने पड़ेंगे। खुशी की बात तो यह है कि हम सब साथ हैं। राहुल बेटा, राहुल उदास लग रहा है। तुमने उससे बात करने की कोशिश की? हाँ, बात करने की तो कोशिश की, लेकिन अपने कमरे से बाहर ही नहीं आता है। पता नहीं क्या सोचता रहता है और किस बात से परेशान है। चलो उससे बात करते हैं। पापा, मैंने सब प्लानिंग कर रखी थी, मुझे कौन सी कोचिंग में ज्वाइन करना है और मुझे तो अभी एंट्रेंस भी क्लियर करना था, पर सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हो गए। अब मैं कैसे पढ़ूंगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। हमें तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम कर लोगे। मैं कैसे करूंगा? बेटा, ये जो समय है ना, वो खाली तुम्हारे साथ में ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। ये देखो, ये समय भी बड़ी आसानी से निकल जाएगा, तुम बस हौसला रखो। ये शाम पे कौन होगा? अरे आकाश, तो नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। जो राहुल है ना, कॉल उठा रहा है ना, मैसेज का रिप्लाई दे रहा है। क्या बताऊं बेटा, बस अपने कमरे में ही रहता है। अब तुम आए हो ना, जाओ उससे बात करो, शायद तुम्हें कुछ बता पाए। राहुल। अरे आकाश, कहाँ खो रहा है? इतने कॉल मैसेज कर रहा हूं, एक का भी रिप्लाई नहीं। ये मैं क्या बात करूं यार, क्यों, क्या हुआ ये बता। मुझे मेरे सारे सपने टूटते हुए दिख रहे हैं। कैसे? तुझे पता है ना, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना मेरा बहुत बड़ा सपना है। वो सपना जब पूरा होगा, जब मैं अच्छा एंट्रेंस दूंगा। बिल्कुल। एंट्रेंस जब दूंगा, जब अच्छी कोचिंग में एडमिशन लूंगा। पर अभी सारी कोचिंग क्लोज पड़ी है, कौन सी कोचिंग में एडमिशन लूं? अब ऐसे तो तू अपना ये समय भी बर्बाद कर देगा। तो मैं कर भी क्या सकता हूँ? अरे, तू करने को बहुत कुछ कर सकता है। मतलब ये देख, बताता हूँ तुझे, गुरु कृपा कोचिंग इंस्टीट्यूट, देखो मालूम है, नीट की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है। अब इसने लॉकडाउन का भी सॉल्यूशन खोज दिया। मतलब ये कि अब आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं, तू अपने घर पर बैठ के ऑनलाइन क्लासेस दे सकता है इसकी। ऑनलाइन क्लासेस? ऑनलाइन क्लासेस। ये देख भाई, फैकल्टी देख रहा है? हाँ भाई। और क्लासरूम भी देख। हाँ भाई यार, कह तो सही रहा है। भाई, मैंने आज तक कभी कुछ गलत कहा? तो खुश है? हाँ भाई। देखिए, मैं समझ सकता हूं कि ये घड़ी हम सबके लिए एक मुश्किल घड़ी, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो दृढ़ निश्चयी होता है। गुरु कृपा में हम सब इस परिस्थिति में भी अवसर निकाल ही लेंगे। इसीलिए मैंने ये तय किया है कि कल से हम
ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपना काम कंटिन्यू करूँ। आप लोग सभी बच्चों को मैसेज कर दीजिए कि उनकी पढ़ाई अब ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जारी है। तो ठीक है सर, फिर आज ही हम सारा शेड्यूल प्लान आउट कर लेते हैं। जी। और बेटा कैसी चल रही है तुम्हारी प्रिपरेशन? पापा, इस नए पैटर्न में मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत कोशिश करता हूँ पर कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहा हूँ। कोई बात नहीं बेटा, हर काम में थोड़ा समय लगता है, लेकिन तुम धीरे धीरे एडजस्ट हो जाओगे। और कोई भी नया काम होता है तो थोड़ा टाइम तो लगता है ना। टाइम ही तो नहीं है ना मेरे पास, एंट्रेंस एग्जाम इतने नजदीक आ रहे हैं और मैंने इस दिन के लिए कितने टाइम से वेट किया था, दिन रात एक कर दी थी पढ़ाई को लेके, पर अब डरता हूँ कि मैं पास भी हो पाऊंगा या नहीं। कैसी बातें करते हो बेटा, थोड़ी हिम्मत रखो। बेटा ऐसा करने से कैसे होगा बताओ, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। बेटा ऐसे उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलो खाना खाओ। बच्चों को इस नए मेथड से फ्रेंडली होने में थोड़ा टाइम लगेगा। कुछ बच्चे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बाकी बच्चे फॉलो अप नहीं कर पाए। आप इस बच्चे को ले लीजिए राहुल, अभी कुछ समय पहले हमारे ऑनलाइन माध्यम के थ्रू ये गुरु कृपा परिवार से जुड़ा। इसका एकेडमिक रिपोर्ट देखें तो ये बहुत ब्राइट स्टूडेंट है और शुरुआत में बहुत अच्छा कर रहा था, पर धीरे धीरे पता नहीं। ओके, ऐसा करते हैं कि बच्चों के साथ एक काउंसलिंग सेशन अरेंज कर, आप लोग बच्चों से बात कीजिए और उनसे पूछिए कि उन्हें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। हाँ सर, ये बिल्कुल सही रहेगा। हाय राहुल, कैसे हो? सर मैं जानता हूँ कि मैंने इस बार अच्छा परफॉर्म नहीं किया। राहुल मैं समझता हूँ, क्योंकि तुम्हारा पूरा एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, बट हमें इसका आज सोल्यूशन निकालना है। तो मुझे अच्छे से बताओ कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। सर क्या है ना, इतनी देर स्क्रीन पर देखते देखते आंखें दर्द होने लगती है और वो बोरियत से भी फील होती है। सर क्या है ना, ज़्यादा फोकस ही नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं ध्यान भटक ही जाता है और वो जो क्लास वाला माहौल है ना वो भी नहीं आ पाता है। मैं जानता हूँ राहुल, तुम और बहुत से स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, माहौल नहीं मिल रहा, पढ़ने का मन नहीं करता, कंट्रोल नहीं कर पा रहा, आंखें दुखती है वगैरह वगैरह। माहौल बनाना तुम्हारे हाथ में है, ना कर पाने की हजार वजह हो सकती है, लेकिन तुम उन पर ध्यान मत दो, तुम उस एक वजह को पकड़ो जिसकी मदद से तुम वो कर सकते हो, और वो वजह है तुम्हारा सपना जो तुमने जिंदगी में कई बार देखा है। तुम्हारी इंस्पिरेशन तुम खुद हो राहुल, तुम कर सकते हो, तुम करोगे और तुम्हारा वो सपना तुमसे करवाएगा। और याद रहे कि हम लोग तुम्हारे लिए 24/7 अवेलेबल हैं, कोई भी डाउट आता है तो कॉल कर लिया करो। सर इस बार मैं अपनी पूरी कोशिश लगा दूंगा। ओके, ध्यान से पढ़िए, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी। थैंक यू सर। राहुल, राहुल, गुड मॉर्निंग बेटा। क्या यार बेटा, पूरी दुनिया उठ गई और तुम अभी तक सो रहे हो। तुम्हारे लिए खुशखबरी है। खुशखबरी? बैठो इधर बैठो। और क्या, जल्दी से अपने बैग पैक कर लो। मतलब? अरे बेटा, गवर्नमेंट ने एजुकेशन इंस्टीट्यूट फिर से चालू कर दिए। क्या? हाँ, सच में? हाँ, और तुम्हारे इंस्टीट्यूट गुरु कृपा से भी मेरे पास फोन आया था, तुम्हारी ऑफलाइन क्लासेस जल्द ही स्टार्ट होने वाली। यस यस यस। सो बी रेडी। हाँ। ये।
क्या हुआ तुझे? अरे यार अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? अरे इतनी सी बात, चल ना लेट्स गो टू द मेंटर, वो सबसे अच्छी हेल्प करेंगे इस पे। हाँ तो बताओ ना, तुम्हें हमने बताया है ना, प्रॉब्लम प्राइवेट हो चाहे स्टडी से रिलेटेड, तुम हमारे पास कभी भी आ सकते हो, हम तुम्हारे यहाँ हमेशा अवेलेबल है। बताओ CL2O2 जो है उस पर आ जाए। You have done your hard work and I believe tumhare hard work ke jaisa tumhara result bhi bilkul acha aayega. So don't worry, don't take any stress. Just have faith in God and have faith in yourself. And now go to your home and relax with your family. Okay? Okay? All the best. Kya soch rahe ho? Maa, maine bahut mehnat kari hai aur mere exams bhi kafi acche hue hain. पर वो हल्का सा डर मन में बैठा हुआ है रिजल्ट के बारे में, और आज मेरा रिजल्ट भी आ रहा है। बेटा, तुम्हारा रिजल्ट कैसा भी रहे, पर एक बात हमेशा याद रखना, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। और तुम्हें पता है, इंसान की हार तभी होती है जब वो हार मान लेता है। और तुम तो मेरे बहुत अच्छे बेटे हो, मुझे तुम पे बहुत प्राउड है, इसलिए नो टेंशन। थैंक यू मम्मा। मेरा राजा बेटा। क्या 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 कह रहे हैं सर? अरे अरे सर, थैंक यू वेरी मच सर। अरे सर, ये सब कुछ आप ही का तो आशीर्वाद है। जी जी बिल्कुल, हाँ मैं अभी राहुल को बोलता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। राहुल बेटा, तूने कर दिखाया बेटा, कर दिखाया, तूने कर दिखाया। हाँ बेटा। क्या? और तूने नीट क्लियर कर लिया बेटा। क्या सच में? यस बेटा। कांग्रेचुलेशन मेरे बच्चे, हम तुम पर गर्व है बेटा। मेरी पहचान।